जा रहा है कि इंतजार खत्म होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, आगे बढ़ते हुए बात अब एमपी कांग्रेस की, जिसे मजबूत करने की कोशिश पार्टी की ओर से की जा रही है। दरअसल पार्टी फंड पर मध्य प्रदेश कांग्रेस सब फोकस कर रही है। पार्टी फंड में 100-100 रुपए जमा कराने के निर्देश दिए गए। संभागीय बैठकों में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को निर्देश मिले हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें और अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करें, लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, घर घर तक पहुंचे, उन्हें पार्टी को लेकर, पार्टी के बारे में बताएं। जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा हुई है और कार्यकारिणी छोटी रखने की जानकारी भी दे दी गई है। तो एमपी कांग्रेस का फोकस अब पार्टी फंड पर है। संभागीय बैठकें जो हुई उसमें पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों को फंड जुटाने के निर्देश दे दिए हैं। पार्टी फंड में 100-100 रुपए कार्यकर्ताओं से जमा कराने को भी कहा है। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से कनेक्शन की बात कही गई है, 100 रुपए कनेक्शन की बात कही गई है। चलिए इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये समझने की कोशिश करते हैं, सीधे रुख करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या मंशा कांग्रेस की, संगठन की मजबूती के लिए? संभागवार बैठकें तो की गई, लेकिन जरा ये भी बताने का प्रयास करिए कि 100-100 रुपए से पार्टी किस तरह से मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, पिछले लगातार दो चुनाव की हार के बाद कहीं ना कहीं प्रबंधन के तौर पर आर्थिक रूप से भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, इसके साथ ही संगठन भी कमजोर हुआ है। शायद यही कारण है कि अब संभागवार बैठकों में कांग्रेस निर्देश दे रही है किस तरीके से छोटे छोटे कार्यक्रम करके अपने आसपास के लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना है, हर घर तक कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचे, और कम से कम एक घर, हर एक घर में कांग्रेस की विचारधारा के साथ एक कार्यकर्ता तो होना चाहिए, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पार्टी फंड में 100 रुपए का जो सदस्यता निधि है उसको जमा करने के निर्देश भी दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य जो है, कार्यकर्ता जो है, वो 100 रुपए का जो फंड है, 100-100 रुपए की राशि जो है वो पार्टी फंड में जमा करें, ताकि एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा से मजबूत करें, और दूसरी तरफ पार्टी फंड में पैसा जमा करें ताकि आने वाले समय में कई कार्यक्रम कांग्रेस करेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक प्रबंधन भी जरूरी है, और यही कारण है कि पार्टी फंड में पैसा जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन पार्टी ऐसा करने से कितनी मजबूत होती है, इस पर सभी की नजरें हैं। फिलहाल कोशिश कांग्रेस की ओर से यही है कि वो अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर सके। तो संगठन की मजबूती की दिशा में कांग्रेस ने कदम बढ़ाया है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करें, ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को। और चलिए सीधे